पहुंच गया है भारत की नदियां, भारत की नदियां। चलिए पहला बताना है सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल, उद्गम मतलब जहां से उत्पत्ति होता है, और एक होता है संगम, संगम उसको बोलेंगे जहां कोई नदी में जाके मिल जाएगा, जहां कोई नदी दूसरे नदी में जाके मिलती है उसे बोलते हैं संगम, और जहां पर उसका मुंह का अंत होता है, किसी नदी के मुंह का अंत होता है उसे बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। तो बताना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत से, तिब्बत के मानसरोवर। तो बिल्कुल राइट है, इसका जगह तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है। मानसरोवर झील लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां एक हिमनद है जिसको बोलते हैं सानो खिया बाब हिमनद। क्या बोलते हैं? सानो खिया बाब हिमनद, या ये भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो लिखा रहेगा बोखर चू। क्या लिखा रहेगा? मानसरोवर के पास एक स्थान है बोखर चू है, बोखर चू से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है याद रखिएगा। और सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकल गया और भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में जब सिंधु नदी प्रवेश करती है ना, तो वो कहां से प्रवेश करती है पता है? दम चौक से। कहां से प्रवेश करती है? दम चौक से, यानी दम लगा के प्रवेश करती है दम चौक से। और फिर सिंधु नदी जो है भारत में किस पर्वतों के बीच से होकर बहती है? सिंधु नदी भारत में किस पर्वतों के बीच से होकर बहती है बता सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांस हिमालय में तीन आता है, एक आता है कालाकोलम, लद्दाख और जास्कर। कालाकोलम, लद्दाख और जास्कर आता है, तो लद्दाख एवं जास्कर के बीच से बहते हुए सिंधु नदी बहती है, और ये फिर जाकर जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में जा कहाँ गिरती है? तो अंत में जो है ना ये अंत में जाके अरब सागर में, कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। और पूछेगा मोहन जोदड़ो जो है ना ये किस नदी किनारे स्थित है? तो मोहन जोदड़ो भी सिंधु नदी किनारे स्थित है। और आप लोग को पूछेगा मोहनजोदड़ो हो गया है, उसी प्रकार पूछता है कि एक तो मोहनजोदड़ो हो गया है और चनुदरो किस नदी किनारे स्थित है? तो चनुदरो जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और सिंधु नदी का कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में उसका लंबाई है 1114। कितना है? 1114 किलोमीटर है। इस प्रकार सिंधु नदी जो है ये तीन देश से होकर बहती है, एक तिब्बत यानी चीन से, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान से। तो आप लोग को यह जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पर हम उद्गम पूछेंगे और उसका समापन यानी मुहाना पूछेंगे, यानी हम सारा उसका जहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ घुसना है, सिंधु में मोहनजोदड़ो पूछ दिया, चनुदरो पूछ दिया, तो सारा आप लोग को उटक के रख देंगे, ठीक है ना? सिर्फ सुनिएगा, याद हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग लिख दिए हैं, बिल्कुल लिख दिए हैं भाई, प्ले लुसेंट आर्ट्स, तो लुसेंटे का हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ग्रुप डी को भी देख रहे हैं क्योंकि ग्रुप डी में नदी पूछ रहा है और सभी एग्जाम में नदी तो इम्पोर्टेंट है ही, और नदी के दृष्टि से और बताते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि सिंधु का सहायक नदी कौन कौन है? सिंधु का बाएं और दाएं किसे बोलते हैं? नदी जिस ओर बह रही है ना, अगर वही दिशा में हम भी खड़ा हो जाएंगे तो मेरा दाहिना हाथ की ओर उस नदी का दायां हो जाएगा और मेरा बायां हाथ की ओर नदी का बायां हो जाएगा। तो नदी के, सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलने वाला सहायक नदी कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो बिल्कुल राइट है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है ये पांचों जो है ना पाकिस्तान के मिठान कोट में जाके सिंधु से मिल जाता है, चिनाब के सहायता से सिंधु नदी में पाकिस्तान के मिठान कोट में मिलता है, जिसे बोलते हैं पंच नदी। क्या बोलते हैं? पंच नदी। और ये पांच नदी पंजाब में बहता है, इसलिए उसको बोलते हैं पंजाब। पंज मतलब पांच और आब मतलब नदी, यानी पांच नदियों का भूमि कहा जाता है। और सिंधु नदी में जो है ना दाएं तट से मिलने वाला भी कुछ नदी है, गिरगिट नदी हो गया, श्योक नदी हो गया, कुरलम नदी हो गया, काबुल नदी हो गया, गोमल नदी हो गया, ये सभी दाएं से मिलता है, लेकिन दाएं वाला नहीं पूछता है बाएं वाला, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। चलिए बिल्कुल आप लोग लिख दिए हैं, दीप जी आपका कहाँ से हो? चलिए बिल्कुल लुसेंट ही हो रहा है भाई, लुसेंट ही हो रहा है लोशन सिंह जी, आप तो रेगुलर रहते हैं, आपको पर डे बताते हैं कि मतलब अगर टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे तो चलेंगे, आपको 1 अक्टूबर से चलेंगे, ठीक है ना? ऐसे लुसेंट से ही हो रहा है भाई। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं, आप लोग एक बार लाइक करते जाइएगा। चलो 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर
चलो अगला क्वेश्चन बताना है, बताना है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हाँ तो जम्मू कश्मीर में मानसरोवर झील। हाँ बता रहा है, बताओ नाग शेषनाग जी। तो बिल्कुल राइट है। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो बेरीनाग झील के समीप, बेरीनाग झील के समीप एक झील है, शेषनाग झील है। शेषनाग झील से उत्पत्ति होता है झेलम झील। कैसे याद रखेंगे? तो शेषनाग को झेलना पड़ता है भाई, ठीक है ना? तो शेषनाग को झेलना पड़ता है, तो शेषनाग झील से झेलम नदी का उत्पन्न होता है। और झेलम नदी जो है ना, ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाता है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाता है। और ये झेलम नदी का समापन कहाँ होता है पता है? तो झेलम नदी जो है लास्ट में जाके चिनाब नदी से मिलता है। किस नदी से मिलता है? चिनाब नदी से मिल जाता है और चिनाब नदी में समा जाता है। पूछेगा बताओ कि तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। ये भी याद रखिएगा, जो काफी इंपोर्टेंट है। बिल्कुल आप लोग ले दिए हैं, बिल्कुल 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 चिनाब नहीं होगा, झेलम होगा। लेकिन बताना है कि चिनाब नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है? चिनाब नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है? रोहतांग। ना चिनाब नदी बोल सकता है कोई? हाँ दो जगह से होता है, दो जगह ना, दो धारा के रूप में निकलता है, चंद्र एवं भागा के रूप में, चंद्र एवं भागा के रूप में निकलता है और ये दोनों मिल जाता है ना, तब बनता है चिनाब नदी। लेकिन ये उत्पत्ति कहाँ से होता है, किस स्थल से होता है? तो होता है हिमाचल प्रदेश में एक दरला है, बारालाचा दरला। कहाँ से होता है? बारालाचा दरला। बिल्कुल आप लोग लिख दिए हैं बारालाचा दरला, बिल्कुल राइट है। तो बारालाचा दरला से चिनाब नदी का उत्पत्ति होता है। और पूछेगा सिंधु का सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब नदी है। कौन नदी है? चिनाब नदी है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा अभी दुनिया का वर्तमान समय में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? चिनाब नदी। तो बिल्कुल राइट है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण जो है यह चिनाब नदी पर किया जा रहा है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बगली हार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलार लेख परियोजना, ये सभी किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी। तो चिनाबे हो जाएगा, क्या होगा? चिनाबे हो जाएगा। एक बार आप लोग लाइक थोड़ा कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। और बिहार से सीजीएल के लिए पंचायत राज से रिलेटेड टॉपिक कराइए, करवा दिए हैं, फिर करवा दिया जाएगा। आप लोग को टेंशन मत लीजिए, यह सभी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना? सारा आप लोग को रेगुलर क्लास चलेगा और आप लोग को सारा जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। फिर सिर्फ आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के चैनल के बारे में बताइए, ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा चिनाब नदी। इसका ट्रिक भी बताए थे, क्या कटरी बताए थे कि दुल्हा के बगल में बैठल है साली। जब आप लोग का शादी होगा तो आप लोग दुल्हा बना रहिएगा, तो आपके बगल में कौन बैठा रहेगा? साली बैठा रहेगा। तो दुल्हा के बगल में बैठा है साली, तो दुल्हा से दुलहस्ती, बगल से बगली हार और साली से सलार लेख परियोजना, ये सभी किस पर है? चिनाब नदी पर है। तुम्हारा बगल में बैठा है कि नहीं? बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी रो से रोहतांग दर्रा। तो बिल्कुल राइट है, रावी नदी का उद्गम स्थल जो है वो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा हो जाएगा। और रोहतांग दर्रा भी कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रा से रावी नदी का भी उद्गम होता है और ब्यास नदी का भी उद्गम होता है। रो से रावी, रो से रोहतांग दर्रा, ठीक है ना? इससे उत्पन्न होता है रावी नदी। और पूछेगा रावी नदी अपना जल किस नदी में गिरा देता है? रावी नदी अपना जल किस नदी में गिरा देता है? तो इसका हो जाएगा चिनाब नदी। क्या होगा? चिनाब नदी हो जाएगा। लेकिन 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 ब्यास नदी जो है यह अपना जल किस नदी में गिराती है? तब होगा सतलज नदी। सतलज नदी पंजाब में एक बैराज है जिसको बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोलते हैं? हरिके बैराज बोलते हैं। हरिके बैराज के पास जो है ब्यास नदी जो है ये अपना जल जो है
अतलाई नदी में गिरा देती है। तो एक क्वेश्चन बनता है क्या पता है कि वह कौन सा नदी है, वह सिंधु के कौन सा सहायक नदी है जिसका उत्पत्ति भारत में ही होता है और उसका उसका समाप्ति भी भारत में ही होता है। तो ब्यास नदी, ब्यास नदी का उत्पत्ति उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो ब्यास नदी का उत्पत्ति हुआ हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के पास, ब्यास कुंड है उससे हुआ था, और ये पंजाब में हरिके बैराज के पास जाकर पंजाब में मिल गया था, तो ब्यास नदी हो जाता है। इस प्रकार जो है बताना, एक लास्ट बचा है सतलज नदी, क्या बचा है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, सतलज के तिब्बत के मानसरोवर। तो बिल्कुल राइट है, ये जो है सतलज नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कहाँ से, तो ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, एक राकस ताल झील है, कौन झील है, राकस ताल झील। तो राकस ताल झील से सतलज नदी निकलती है, और ये फिर जो है ना सतलज नदी अपना जल किस नदी में गिराती है, सतलज नदी अपना जल किस नदी में गिराती है, चिनाब। तो चिनाब नदी, क्या जाएगा, चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो है लास्ट में सबका जल, झेलम का, रावी का, ब्यास का, सतलज का, अपना खुद का जल, सभी का जल जो है पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु में मिला देता है, और सिंधु सभी नदी को, सभी के जल को लेते हुए जाके अरब सागर में गिरा देती है। लेकिन यही पूछेगा कि थीन बांध, थीन बांध किस नदी पर है, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। थीन बांध यानी रंजीत सागर बांध किस नदी पर है, रावी नदी। क्या होगा, रो से रंजीत सागर बांध, रो से रावी नदी। तो थीन बांध यानी रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, ये किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। लेकिन यही पूछेगा पोंग बांध, पोंग 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 बांध किस नदी पर है, ब्यास नदी। अरे अभी धीरे चल रहे हैं, जहां चलते हैं कहीं तुम दक्षिण में गाय जा रहा है, दक्षिण में पहुंचेंगे ना, तो होगा इसका ब्यास नदी, क्या हो जाएगा, ब्यास नदी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अभी बताया था सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इसमें जो है सिंधु जल समझौता, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो बता सकता है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। भारत में पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि ऊपर का तीन नदी यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब जो है इसका 80% जल जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा, और जो बाद में तीन नदी बचा है, कौन बचा है, रावी बचा है, ब्यास बचा है, सतलज बचा है, ये तीन नदी का जल का भारत जो है 80% यूज करेंगे और बाकी 20% पाकिस्तान करेंगे, ठीक है ना, ये नियम बनाया गया था। तो सारा हम खत्म करवा दिए आप लोग को नदी के बारे में, सिर्फ इसमें उद्गम स्थल आप लोग से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसमें आप लोग को सारा ए टू जेड पूछा जा रहा है, ठीक है ना, और ए टू जेड क्लियर करते जा रहे हैं आप लोग को, और काफी डिटेल में, ठीक है। क्या हुआ, खोलो उसको, क्या तुम करता है, तो चलिए एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए ये हम सिंधु नदी तंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बताना है गंगा, क्या बताना है, गंगा के बारे में बताना है, गंगा नदी तंत्र के बारे में एक बार बोर्ड पर हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं। बताना है गंगा का उत्पत्ति कहाँ से होती है, गंगा का उत्पत्ति कहाँ से होती है, गंगोत्री। तो बिल्कुल राइट है, गंगा का उत्पत्ति जो होता है गंगोत्री में, एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है, या हिमानी बोल सकते हैं, गंगोत्री में गोमुख हिमानी, क्या है, गंगोत्री में गोमुख हिमानी से गंगा का उत्पत्ति होता है, लेकिन उसको गंगा नहीं बोलते हैं। अरे करो ना, ये तुम कर रहा है, वो लोग नहीं खुलता है गंगा। तो क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आप लोग को, हम बोल रहे हैं कि गोमुख हिमानी से गंगा का उत्पत्ति होता है, लेकिन उसे गंगा नहीं बोलते, उसमें उसमें बोलते हैं भागीरथी, क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, लेकिन भागीरथी से एक नदी आकर उत्तराखंड में ही भिलंगना मिलता है, और वहां पर जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है, भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर, उस बांध का नाम बताओ जो भारत के सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध, क्या है, टिहरी बांध है, क्या है, टिहरी बांध है। अच्छा बताना है कि जहां पर भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी
आके मिलती है, वहां एक प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग को क्या कहा जाता है? मेघना, मेघना, उससे मेघना कहते हैं। देव प्रयाग, प्रयाग पूछ रहे हैं, देव प्रयाग कहते हैं, क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि कुल पांच प्रयाग है, कितना प्रयाग है? कुल पांच प्रयाग है। आप लोग को पता है कि अलकनंदा नदी जो है ना, ये निकलती है बद्रीनाथ से, कहां से निकलती है? बद्रीनाथ से निकलती है, और अलकनंदा नदी से पहले आके मिलता है धौरा धौली गंगा, और धौली गंगा अलकनंदा से जहां मिलता है वहां बनता है विष्णु प्रयाग। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी अलकनंदा से आके मिलती है, और जहां मिलती है वहां बनता है नंद प्रयाग। क्या बनता है? नंद प्रयाग। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है ना पिंडार नदी, पिंडार नदी अलकनंदा से आके मिलती है, और जहां मिलती है ना पिंडार नदी वहां बनता है कर्ण प्रयाग। क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। और फिर जो है मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलकर, केदारनाथ से निकलकर मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहां मिलता है ना उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग कहा जाता है। और लास्ट में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहां मिलती है उसे देव प्रयाग कहा जाता है। बोलेगा बताओ कि गंगा नदी के बाएं तट से, गंगा नदी इधर बह रही है तो बाएं तट से मिलने वाले नदी कौन कौन है? गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदी, घाघरा, गंडा, कोसी, बूढ़ी गंडा, राम गंगा, घाघरा। चलो ठीक है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बासमती, ठीक है ना, बागमती, कमला, कोसी, बागमती, कमला, महानंदा, महानंदा। तो फिर याद रखिएगा, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सभी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदी है। जिसमें इसके बारे में आपको, आपको गोमती के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि गोमती नदी जो है ना ये मैदानी भाग से निकलता है, यानी पीलीभीत जो है ना, पीलीभीत जिसमें जहां पर फूलहल झील है वहां से गोमती नदी निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। बाकी बात सभी नदी जो इतना बताए थे वो सभी नेपाल के तराई भाग से निकलता है। लेकिन पूछेगा कि जो बताए थे अभी घाघरा नदी, जो बताए थे घाघरा नदी को पहले बोलते हैं शारदा नदी, क्या बोलते हैं? शारदा नदी कहा जाता है। फिर उसे जो है उसे अयोध्या में सरयू नदी, क्या बोलते हैं? सरयू नदी बोलते हैं। और फिर जब बिहार की ओर आता है तो उसे बोलते हैं घाघरा नदी, क्या बोलते हैं? घाघरा नदी कहा जाता है। चलो बोलेगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, लाइन कहाँ है? अरे लाइन नदी तो लाइन नदी जो जर्मनी में है, जो वर्ल्ड का सबसे व्यस्तम नदी है, और यह जर्मनी के भरंस घाटी से निकल है, और इसी के किनारे जो है अस्टालडम जो बंदरगाह है स्थित है, ठीक है ना। ये सभी कहां, ये सभी कल्ले पढ़ाए थे आप लोग को। तो हम पूछ रहे थे क्या भारत का सबसे, गंगा नदी का सबसे लंबा सहायक नदी कौन है? गंडक। तो बिल्कुल राइट, इसका यमुना, क्या जाएगा? यमुना हो जाएगा। यमुना कहां से निकलती, यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री, बंदरपुच, उत्तराखंड के बंदरपुच में यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी का एक प्राचीन नाम क्या है? यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी। क्या है? कालिंदी है। अच्छा बताना, जहां गंगा नदी एवं यमुना नदी आपस में मिलती है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे तो बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। कहां मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, इलाहाबाद में नहीं मिलता है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलता है। कहां मिलता है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलता है, ठीक है ना। और यही पूछेगा कि, यही पूछेगा आप लोगों को बताना है कि गंगा के किनारे स्थित कौन कौन शहर है। तो शुरू से अगर स्टार्टिंग करें तो बीचेस तुम कर दिया है, अगर उत्तराखंड में देखे तो पूछेगा गंगा जो है, गंगा जो है जब पर्वत से उतरती है तो वो भाबर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो गंगा जो है भाबर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये करती है कहाँ, पता है? ये करती है ऋषिकेश। कहाँ करती है? ऋषिकेश में करती है। लेकिन पूछेगा भारत गंगा नदी जो है सर्वप्रथम मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है?
तो हो जाएगा हरिद्वार। क्या हो जाएगा? हरिद्वार, अर्थात ऋषिकेश एवं हरिद्वार ये उत्तराखंड में है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर बताना है कि राम गंगा नदी जो है ना, राम गंगा नदी जो है जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जिसका नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया है, ये उसी के बीचों बीच से गुजरती है। रामगंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये जो है ना यूपी में कन्नौज एक जगह है, यूपी में क्या जगह है? कन्नौज एक जगह है, वहां आके मिलती है कौन? रामगंगा नदी। तो कन्नौज की नदी किनारे स्थित है, तो गंगा नदी किनारे स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा क्या? तो फिर मिलेगा कानपुर। क्या मिलेगा? कानपुर। तो कानपुर किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे स्थित है। जो गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर ही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा इलाहाबाद। क्या मिलेगा? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो प्रयागराज जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी किनारे। क्या है? गंगा नदी किनारे स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा गाजीपुर। क्या मिलेगा? गाजीपुर, जहाँ गोमती नदी आके मिलती है। तो गाजीपुर भी किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा वाराणसी। क्या मिलेगा? वाराणसी मिलेगा। तो वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी मिलेगा। तो वाराणसी भी किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी किनारे स्थित है। और बिहार में जो है ना बक्सर से होकर प्रवेश करती है छपरा से होते हुए, छपरा से होते हुए। तो छपरा किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलता है आपका मिलता है हाजीपुर भी मिलता है। तो हाजीपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी किनारे स्थित है। फिर मिलता है पटना। क्या मिलता है? पटना। तो पटना किस नदी किनारे स्थित है? तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। और पटना में ही कौन सा नदी आकर गंगा से मिलती है? तो पटना में ही सोन नदी जो है ये गंगा नदी से आकर मिलती है, ये याद रखिएगा। फिर आगे मिलेंगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा आपका मिल जाएगा मुंगेर। क्या मिलेगा? मुंगेर। और फिर आगे मिलेंगे तो मिलेगा भागलपुर। क्या मिलेगा? भागलपुर। सोनपुर भी है, सोनपुर भी गंगा नदी किनारे स्थित है, भागलपुर मिल जाएगा। लेकिन पूछेगा गंगा नदी के सबसे पूर्व की छोर से, गंगा नदी के सबसे पूर्वी भाग से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सा है? महानंदा। कौन है? महानंदा। गंगा नदी में भारत में ही सबसे पूर्व से मिलने वाले नदी कौन है? महानंदा। कौन है? महानंदा है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है? पद्मा। बिल्कुल राइट है, उसे पद्मा कहा जाता है। आप लोग थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, बिहार में कुल 12 जिला से बहती है। बिल्कुल 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 राइट। चलिए महानंदा लिख दिए हैं। और यही पूछेगा कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी जो है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा नदी तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और जब दोनों को धारा मिल जाता है बांग्लादेश में तो उस धारा को, संयुक्त धारा को, पद्मा एवं जमुना के संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं मेघना। मेघना इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर एक मेघना नदी भी आकर मिलती है। बोलेगा गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितना है? गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्य। कौन कौन? पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी में सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी का है। फिर आता है बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड में सबसे कम लंबाई। फिर आता है पश्चिम बंगाल। गंगा नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो गंगा नदी कितने देशों से होकर बहती है? दो देश, एक हो गया भारत, एक हो गया बांग्लादेश, ठीक है ना। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो बनाया गया जो डेल्टा है उस डेल्टा को क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसमें जो है सुंदरी वृक्ष मिलता है, बंगाल रॉयल टाइगर मिलता है, ठीक है ना, मैंग्रोव वन विकसित होता है, ठीक है। लेकिन यही बोलेगा, बताओ कि पूछेगा आप लोग से कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा तो 2008 में
लेकिन गंगा नदी में पाया जाता है डॉल्फिन। क्या पाया जाता है? डॉल्फिन पाया जाता है। डॉल्फिन अंधा होता है, यह स्तनपायी होता है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का संज्ञा कब दिया गया? तो यह हो जाएगा 2009 हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा कि कुछ नदी जो है ना, यमुना का भी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? तो चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बोलिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी जो है ना, ये सभी यमुना के सहायक नदी है। पूछेगा यमुना का सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? यमुना का सबसे लंबी सहायक नदी चंबल, कौन है? चंबल नदी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यमुना का एक सहायक नदी और है जो बाई ओर से आके मिलता है, उसको बोलते हैं हिंडन नदी। क्या बोलते हैं? हिंडन नदी कहा जाता है। और टोंस नदी जो है और सोन नदी जो है, ये दाई ओर से गंगा से मिलने वाली नदी है। और पूछा गंगा नदी में जो है एक वायरस पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मार के खा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो चलिए आप लोग को जो है गंगा नदी तंत्र पूरा समाप्त कर दिए, और इसको अगर समझना है तो इसको बोर्ड पर भी हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार हम धुआं धुआं चलेगा आप लोग को। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? कॉमेंट दिखाऊ? कॉमेंट दिखाऊ? कॉमेंट चालू करो। ये तुम लोग करता है, तो चलिए। तो आप लोग को जो है ना, चाहे वो साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका एसएसटी में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, सबका बिना देखे इसी तरह धुआं धुआं चलेगा। और बार बार करेंगे यार, कैसे ना होगा यार, तो उसका भूत भी होगा, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और आप लोग कम से कम 3000 को पहुंचाते, 300 कम से कम लाइव पहुंचाते, तो 300 नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग जिससे कि जोश और उमंग बढ़े रहे, और आप लोग के साथ जो है कदम के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे, तो आप लोग थोड़ा इसको जो है सपोर्ट कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नया है, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। बिल्कुल ही आप लोग को जो है घर में बैठे हुए क्लास वाला फीलिंग आएगा, और अपने आप जो है सभी सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं, हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए जगह भाई, सब होगा। थोड़ा जिसको हम लेते हैं ना, उसको ना मन से खत्म कर देते हैं। तो आज जब नदी लिए हैं, नदी में कितना नदी खत्म कर दिए कहना मुश्किल है, गंगा नदी तंत्र में सब निपटारा हो गया है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। भैया एग्जाम वाला को भी बताइए, भैया एग्जाम वाले को भी बताइए, मतलब क्या बोलता है समझ नहीं आता। प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से हैं, जमुई डिस्ट्रिक्ट है, बिदौर प्रखंड है, रतनपुर गांव है। आप टेलीग्राम चैनल जिक्के जीएस मस्ती बाय जयदेव से जुड़ जाइए, वहीं पर होमवर्क डाल दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाए। आपका ग्रुप डी का ज्वाइनिंग कब है भाई? मन से खत्म, मन से खत्म। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। हम भी BGL से हैं, भागलपुर से हैं, लखीसराय से हम सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तो सारा नदी हो गया है, अब आगे बढ़ जाते हैं। बताना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पहुंचते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल का नाम बताना है, ब्रह्मपुत्रा नदी का उत्पत्ति कहाँ से होती है? मानसरोवर झील। तो सब खाली मानसरोवर झील बोलता है, लेकिन अब सारा मानसरोवर झील नहीं रहेगा। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील, सतलज नदी भी मानसरोवर झील, और ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील, लेकिन ये ऑप्शन हमने देगा, वहां पर उसका आरंभ निकटतम बिंदु पूछेगा। तो सिंधु नदी का बताए थे क्या? बताए थे बोखरचू। क्या बताए थे? बोखरचू बताए थे, या सानो खिया बाब हिमनद, सानो खिया बाब हिमनद। उसी प्रकार बताए थे सतलज नदी का, बताए थे लाखसताल झील। क्या बताए थे? लाखसताल झील, लाखसताल झील बताए थे। उसी प्रकार पूछेगा आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका होता है चेमायुंग दुंग ग्लेशियर। क्या होता है? चेमायुंग दुंग ग्लेशियर, जो कहां पर है? जो मानसरोवर झील के नजदीक ही है। अच्छा पूछेगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना, इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। तो बिल्कुल राइट है, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है,
ये भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश किस दरला से करती है, कौन सा दरला से करता है? तो इसका जाएगा यांगयाप दरला। क्या जाएगा? यांगयाप दरला अरुणाचल प्रदेश से पहुंचता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा, इसका होता है दिहांग। क्या होता है? दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। लेकिन यही बोलेगा कि ब्रह्मपुत्र नाम भारत में, ब्रह्मपुत्र नाम भारत में किस राज्य में प्रदान किया जाता है? असम। तो बिल्कुल राइट है, असम में उसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और बांग्लादेश में जमुना। तो फिर एक बार बोलिए, तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना, और पद्मा जमुना मिलेगा तो मिलता है मेघना। क्या बनता है? मेघना। चलिए, इसका कुछ सहायक नदी है। जैसे बोलेगा आप लोग को कि दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनश्री। क्या बोलेगा? धनश्री हो गया, ठीक है ना। कामेंग हो गया। ये सभी जो है ना बाएं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलने वाला सहायक नदी है। कौन कौन? फिर सुन लीजिए, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनश्री हो गया, कामेंग हो गया। ये चारों ब्रह्मपुत्र में बाएं ओर से मिलने वाले सहायक नदी है। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है दिल धक धक करने लगा। क्या करने लगा? दिल धक धक करने लगा। तो दिल से दी से दी, बताए थे क्या? दी से बताए थे दिबांग, दिबांग बताए थे, दी से दिबांग। तो दी से दिबांग, लो से लोहित, और धो से धनश्री, और को से कामेंग। तो याद रखिएगा, दिल धक धक ये बाएं ओर से मिलता है। कैसे मिलता है? बाएं ओर से। लेकिन दाएं ओर से मिलने वाला नदी कौन है? तो दाएं ओर से मिलने वाला नदी है सुवर्णश्री हो गया। क्या हो गया? सुवर्णश्री हो गया है, ठीक है ना, सुवर्णश्री हो गया है। फिर उसी प्रकार आपका तिस्ता हो गया है, सुवर्णश्री हो गया है, तिस्ता हो गया है, और बोल सकते हैं तिस्ता हो गया है, सुमनश्री हो गया है, पगला दिया हो गया है। यह सभी ब्रह्मपुत्र का ही सहायक नदी है। चलिए, बिल्कुल लिख दिया आप लोग, बिल्कुल राइट है। क्या हुआ? चलिए, बिल्कुल लिख दिए हैं। शेर सुनाइए भाई, अब शेर सुनाए। आप लोग सोचते थे 300, कल सुनाते थे 300 तक, कम से कम नहीं पहुंचाए, 250 पहुंचा दिए थे आप लोग। चलिए, तो एक शेर हो जाए, बोल लेते हैं। कौन सा जोन है तुम्हारा? सब जोन है, पूछ रहा है। एक वीडियो में डाल दिए, जाके देख सकते हैं। ई आर है। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग क्या नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग जो है ना बिहार से है, जमुई डिस्ट्रिक्ट है, गिद्धौर प्रखंड है, और रतनपुर गांव है, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या बोल रहे थे? शायरी। तो चलिए, एक शायरी बोल देते हैं। कौन सा बोल दें? तो बोल देते हैं कुमार गौरवे सर के, बोल देते हैं, ठीक है ना। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोली, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती जब आग लगी हो सीने में। चलिए, बढ़िया वाला बोल रहा है, बढ़िया वाला क्या बोले, ठीक है ना। बढ़िया वाला बोल दे। चलिए, बिल्कुल बीच बीच में भी होगा। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आप लोग का आता है ना, आगे जो आता है वो आता है, बताना है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
अमरकंटक। तो बिल्कुल राइट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक किसका हिस्सा है? तो अमरकंटक जो हिस्सा है ना, यह है विंध्या सतपुरा पर्वत का हिस्सा, सतपुरा पर्वत का हिस्सा है। और अमरकंटक की पहाड़ी से जो है ना दो नदी निकलता है, एक हो गया नर्मदा नदी, दूसरा क्या होगा, दूसरा तो दूसरा नदी होता है सोन नदी। क्या होता है? सोन नदी। सोन नदी उत्तर की ओर जाके पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है, और नर्मदा नदी जो है ना ये पश्चिम की ओर बहकर, पश्चिम की ओर बहकर जो है ये अरब सागर में, अरब सागर में जो है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। अरब सागर में जाके क्या होती है? गिर जाती है। बोलेगा कि बताओ जो ये नर्मदा नदी है ना, कुल तीन नदी निकल दी है, नहीं दो ही नदी है। और पूछेगा कि ये जो नर्मदा नदी है ये किस किस पर्वत के बीच से होकर बहती है? तो बिल्कुल राइट, नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहता है, अर्थात सतपुरा एवं विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर बहती है। ऐसे गुजरात के जीवन रेखा, गुजरात के जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये जो बताइए कि आप लोग को ये अरब सागर में जाके गिर जाता है, और अरब सागर में वहां पर एक खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, अरब सागर का ही भाग है, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाता है। आप लोग से पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात, क्या पूछेगा? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। पूछेगा कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात है। बोलेगा बताओ सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भी है। बोलेगा बताओ कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो अरब सागर में जल गिराती है वो सबसे लंबी नदी है कौन? नर्मदा नदी। कौन है? नर्मदा नदी ही है। पूछेगा वह कौन कौन सा नदी है जो ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी, एस्चुअरी का निर्माण करता है, ज्वार नदमुख का निर्माण करता है? समानता चार, तो हो जाएगा एक नर्मदा हो जाएगा, एक ताप्ती हो जाएगा, और एक नदी और है जो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे दामोदर, जो छोटा और भ्रंश घाटी से होकर बहता है, ठीक है ना। इस प्रकार जो है नर्मदा ताप्ती दामोदर, ये भी नर्मदा ताप्ती और दामोदर, ये तीनों जो है भ्रंश घाटी से होकर बहता है, लेकिन आप लोग दो ही पढ़ते हैं बार बार, काफी अच्छा से जो है ये दो ही रहता है, एक नर्मदा और एक ताप्ती रहता है। चलो यही पूछेगा बताओ कि ताप्ती नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है? ताप्ती नदी अपना जल कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी। तो बिल्कुल राइट है, ताप्ती नदी जो है ना अपना जल जो गिराती है वो गिराती है अरब सागर के खंबात के खाड़ी में, खंबात के खाड़ी में ही गिराती है। और ये किस किस पर्वत के से होकर बहती है, किस किस पर्वत के बीच से होकर बहती है? तो ये हो जाएगा सतपुरा एवं अजंता की पर्वत, सतपुरा एवं अजंता के पर्वत के बीच ताप्ती नदी, और विंध्याचल एवं सतपुरा के बीच नर्मदा नदी हो जाएगा। अच्छा पूछेगा आप लोगों की उकाई परियोजना, उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना किस नदी पर? उकाई झील पर। तो उकाई परियोजना जो है ना ये ताप्ती नदी है, क्या है? ताप्ती नदी पर है। एक बोल रहा है आप लोग में किन्हीं का 29 का परीक्षा समस्तीपुर में है, यहाँ तो समस्तीपुर में किसी का ना है, तो है। चलिए तो हम बोल रहे हैं कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो उकाई परियोजना जो है ना ये ताप्ती नदी पर है। यही बोलेगा काकरा पारा परियोजना, काकरा पारा परियोजना किस नदी पर है बता दो? ताप्ती नदी। अरे कम से कम इतना दिमाग लगाओ ना जिसके बारे में पूछ रहा है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी क्या होगा? ताप्ती नदी हो जाएगा। चलिए तो ये सभी देख लिए थे, नर्मदा नदी के बारे में और ताप्ती नदी के बारे में देख लिए थे। ऐसे अगर बोले ना तो पूछा, इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अरब सागर में नदी गिरती है, या कभी कभी इस तरह पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, गिरने वाली नदी नहीं है। तो आप लोग को पता ही है कि एक साबरमती नदी अरब सागर में गिरता है, माही नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है ये भी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी ये भी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो गोवा में दो नदी मिलता है, एक मिलता है मांडवी और ज्वारी,
मांडवी और ज्वारी नदी जो है यह गोवा में मिलता है, यह भी अरब सागर में गिरता है। फिर पहुंचते कर्नाटक, तो कर्नाटक में मिलता है शरावती नदी। क्या मिलता है? शरावती नदी और बराही नदी। बराही नदी मिलता है, ये दोनों भी कहाँ गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है। और फिर केरल में पहुंचते तो केरल में मिलता है पेरियार नदी। क्या मिलता है? पेरियार नदी। और केरल में ही मिलता है भरतपूझा नदी। क्या मिलता है? भरतपूझा नदी मिलता है। और ये दोनों भी अपना जल गिराता है कहाँ पर? तो ये दोनों भी जल गिराता है अरब सागर में गिराता है। और केरल की सबसे लंबा नदी जो है वह भरतपूझा। क्या बताया था अभी? ये सभी अरब सागर में अपना जल को गिराती है। अब बोलेगा बताओ कि कुंचिकल जलप्रपात जो है, कुंचिकल जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है और कौन सा राज्य में स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है ना, ये जो है ये आपका है बराही नदी पर है और ये कर्नाटक में ही है। और कुंचिकल जलप्रपात जो है अभी वर्तमान समय में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले जो गसपा प्रपात था जो शरावती नदी पर था, जिसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जो गसपा प्रपात रखा गया है, लेकिन वर्तमान समय में जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन है? तो वह है कुंचिकल जलप्रपात। क्या है? सबसे ऊंचा। बिल्कुल क्यों जी, कितना बजे तक चलेगा ये आपका? 9 बजे तक चलेगा, 6:30 से 9 बजे तक चलता है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर होमवर्क डाल दिया था। टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS मस्ती बाय जगदेव, ठीक है ना? उससे आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए, तो यहाँ बता दिए हैं, लेकिन यही पूछेगा कि यही बोलेगा कि बताना है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड का पूछेंगे तो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। क्या होगा? एंजिल जलप्रपात हो जाएगा, जो कोरोनेको नदी पर स्थित है, ठीक है ना? वेनेजुएला में। कहां पर है? वेनेजुएला में है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आप लोग लिख दिए हैं एंजिल एंजिल एंजिल, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ जाते हैं, अब पहुंचते हैं दक्षिण भारत की नदियां में, वो नदी के बारे में पढ़ते हैं जो बहता है कहां? बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिराता है। और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पहले ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदी जल गिराता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन बंगाल की खाड़ी में नदी, बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिराती है या गिराती है? तो आप लोग जानिएगा तब ना। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि कौन कौन नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। एक हो गया हुगली नदी। क्या हो गया? हुगली नदी, जो कलकत्ता में, हम कलकत्ता से शुरू कर रहे हैं और तमिलनाडु लास्ट में आएंगे, ठीक है ना? तो हुगली नदी जो है बंगाल के खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है ना? फिर आएगा आपका हुगली के बाद आता है दामोदर नदी। क्या आता है? दामोदर नदी जो हुगली में ही मिलके अपना जल को गिराता है, किसमें? तो गिराता है बंगाल की खाड़ी में। हुगली के बाद आता है बेतरनी। क्या आता है? बेतरनी नदी। बेतरनी के बाद आता है ब्रह्मनी। क्या आता है? ब्रह्मनी नदी। ब्रह्मनी के बाद आता है महानदी। क्या आता है? महानदी। महानदी के बाद आता है गोदावरी। क्या आता है? गोदावरी। गोदावरी के बाद आता है आपका गोदावरी के बाद आता है कृष्णा नदी। क्या आता है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के बाद आपका आएगा कावेरी नदी। और कावेरी नदी के बाद आता है बेगई नदी। क्या आता है? बेगई नदी एवं ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी, ये सभी जो है ना बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराता है। लेकिन इसमें हमको पढ़ना किसके बारे में पता है? हमको पढ़ना है एक महानदी के बारे में पढ़ना है, एक गोदावरी के बारे में पढ़ना है, एक कृष्णा के बारे में पढ़ना है, एक कावेरी के बारे में पढ़ना है और एक बेगई नदी के बारे में पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। बताना है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दामोदर नदी का उद्गम दामोदर नदी का उद्गम जो होता है पावापुरी से होता है। दामोदर नदी का उद्गम जो होता है ये होता है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहता है, भ्रंश घाटी से होकर बहता है, याद रखिएगा। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना, ये भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा, जो अमेरिका के टेंस नदी पर आधारित है। और भारत के नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर किसने कहा था? मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पहुंचते हैं महानदी। बताना है कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी, तो महानदी का उद्गम जो होता है ना, ये छत्तीसगढ़ के सिहावा के पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के सिहावा के पहाड़ी से होता है, ठीक है ना? इसके बारे में यह याद रखेगा। अब पूछेगा बताओ हीराकुंड बांध,
हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बिल्कुल राइट, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। और ये वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है, बड़ा बांध है, ठीक है ना। और पूछा है कटक, कटक कटक जो उड़ीसा में है, कटक किस नदी किनारे स्थित है? तो कटक जो किस नदी किनारे स्थित है? महानदी किनारे। संबलपुर किस नदी किनारे स्थित है? महानदी किनारे स्थित है, महानदी किनारे स्थित है। चलिए बिल्कुल लिख दिया आप लोग, कटक संबलपुर महानदी, बिल्कुल राइट है। लेकिन यही आप पहुंचते गोदावरी, बताना है गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से और कहां से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से और कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश चल जाएगा, प्रदेश का अमरकंद, मध्य प्रदेश पर है। इसका हो जाएगा महाराष्ट्र के गोदावरी ना, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के नासिक के त्रिंबकेश्वर पहाड़ी से, महाराष्ट्र के नासिक के त्रिंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और ये जो है ना महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए अपना जल को बंगाल के खाड़ी में गिरा देता है, बंगाल खाड़ी में गिरा देता है, ये याद रखिएगा। और गोदावरी नदी को बोलते हैं दक्षिणी गंगा, बोलेगा दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। बोलेगा वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। लेकिन बोलेगा दक्षिण की, दक्षिण की फॉर कावेरी, तो दक्षिण की गंगा तब होगा कावेरी, क्या होगा? कावेरी हो जाएगा। लेकिन दक्षिणी गंगा गोदावरी। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगा? तो गोदावरी, क्या होगा? गोदावरी हो जाएगा। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबा नदी तो कृष्णा, और तीसरी सबसे लंबा नदी तो हो जाएगा कावेरी, क्या होगा? कावेरी हो जाएगा। लेकिन यही बोलेगा, बताओ कि बोलेगा आप लोग को कि बताना है पोचम पाद परियोजना, पोचम पाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचम पाद, बोलो गोदावरी, इसमें पूछना क्या है जब उसके बारे में पूछ रहा है तो गोदावरी, गोदावरी। और बोलेंगे इसी प्रकार पूछता है कि जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी, तो बिल्कुल राइट है गोदावरी। तो याद रखिएगा दो परियोजना, पोचम पाद एवं जायकवाड़ी परियोजना, ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कभी कभी जो है ना पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी है, थोड़ा सुन लीजिए याद रहेगा तो अच्छा है ना, याद है फिर भी अच्छा है, ठीक है ना। तो एक होता है वर्धा, वर्धा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। पेन गंगा ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती भी गोदावरी का सहायक नदी है। और मंजीरा भी गोदावरी के सहायक नदी है। तो फिर सुन लीजिए, वर्धा हो गया, पेन गंगा हो गया, बेन गंगा हो गया, इंद्रावती हो गया और मंजीरा हो गया, ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए गोदावरी खत्म हुआ, अब बताना है कृष्णा, क्या बताना है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो कृष्णा, कृष्ण भगवान महाबलशाली थे, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक पर्वत से उत्पत्ति होता है। और यह महाराष्ट्र कर्नाटक बहते हुए, आंध्र प्रदेश बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराता है। चलो कृष्णा नदी से क्वेश्चन क्या बनता है पता है? पूछेगा कि आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। तो बिल्कुल राइट है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। क्योंकि अलमाटी कौन खाते थे? तो माटी खाते थे कृष्ण भगवान, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। उसी प्रकार पूछता है, और अलमाटी बांध कर्नाटक कहाँ पर है? कर्नाटक में है। लेकिन बोलेगा नागा अर्जुन परियोजना या नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। तो बिल्कुल राइट है कृष्णा नदी, क्या होगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। और अर्जुन के साथ हमेशा कृष्ण भगवान रहते थे, तो नागा अर्जुन बांध भी कृष्णा नदी हो जाएगा। और यही पूछेगा श्री सलेम परियोजना किस नदी पर स्थित है? श्री सलेम नदी पर। तो बिल्कुल राइट है, श्री सलेम भी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर हो जाएगा। तो अलमाटी बांध
और नागा अर्जुन बांध और श्री सलेम बांध, ये तीनों जो है ना कृष्णा नदी पर है। कैसे याद रखेंगे, माटी कौन खाते थे, कृष्ण भगवान। अर्जुन के साथ कौन थे महाभारत के युद्ध में, कृष्ण भगवान। और श्री सलेम यानी श्री कृष्ण भगवान, ठीक है ना। लेकिन कृष्णा का सहायक नदी भी पूछता है, कृष्णा का सहायक नदी कौन कौन है, तो थोड़ा सुन लीजिए, याद रहेगा तो अच्छा है। कृष्णा का सहायक नदी में आपका आएगा कोयना। कोयना नदी जो है ये कृष्णा का सहायक नदी है जो महाराष्ट्र में बहता है, ठीक है ना। उसी प्रकार बोलेगा पंचगंगा, पंचगंगा भी कृष्णा का सहायक नदी है। बोलेगा दूध गंगा, दूध गंगा भी कृष्णा का सहायक नदी है। उसी प्रकार बोलेगा तुंग भद्रा नदी, तुंग भद्रा नदी भी कृष्णा का सहायक नदी है, इतना याद रखिएगा। अब पहुंचते हैं, बताना है कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल। शुरू से गुरु ब्रिसन लुसेंट अगर बोलिएगा तो लुसेंट के शुरू से गुरु ब्रिसन जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाता है। नहीं यार, तो कावेरी का उद्गम स्थल जो है ना ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी। बोलेगा कावेरी तो बोलना है ब्रह्मगिरी, कौन गिरी, ब्रह्मगिरी। कावेरी तो ब्रह्मगिरी, कहाँ से, कर्नाटक से उत्पन्न होता है। और कावेरी नदी जो है कर्नाटक बहते हुए तमिलनाडु बहते हुए अपना जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और कावेरी नदी को क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी पर भी कुछ बांध है, जैसे बोलेगा मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। तो बिल्कुल राइट है, मेट्टूर बांध। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो पढ़ते जरूरी है कि कल तक मेरा जो है 60,000 सब्सक्राइबर पूरी जाएगा। अगर थोड़ा आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो ठीक है, थोड़ा शेयर भी कीजिए कि हम लोग का जोश और जुनून बना रहे और आप लोग को भी इसी तरह जो है उंगली पर जिक्के जीएस नाचने लगे, ठीक है ना। तो मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है। इसी प्रकार पूछेगा कृष्णा सागर बांध, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी। कृष्णा सुन से कृष्णा नदी नहीं मार देना, कृष्णा राज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है। पूछेगा दक्षिण भारत का वह कौन नदी है जो वर्ष भर, जो वर्ष भर वर्ष भर जो है पानी से भरा होता है, वर्ष भर जो है पानी से भरा होता है, कावेरी। तो बिल्कुल राइट है, तो दक्षिण भारत के कावेरी नदी है जो वर्ष भर जो है पानी से भरा होता है। क्यों, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी से उसमें वर्षा हो जाता है, फिर लौटती हुई मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से भी कोलोमंडल तट से टकराकर कावेरी नदी में बारिश हो जाती है। इस प्रकार जो है ये वर्ष विहीन नदियां है, वर्ष भर पानी से भरा होने वाले नदियां हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा आप लोग को बताना है कि बेगई नदी जो है ना, बेगई नदी के किनारे एक मंदिर स्थित है, उस मंदिर के नाम बताओ। बेगई नदी के किनारे बाद में रहा था अभी, बेगई नदी किनारे एक शहर भी स्थित है, शहर का नाम बताओ। मदुरे शहर, क्या है, तो मदुरे में जो मंदिर है वो स्थित है। तो मदुरे शहर किस नदी के किनारे स्थित है, बेगई नदी। क्या हो जाएगा, बेगई नदी हो जाएगा। भैया लूनी और माही लिवर को बता दीजिए, माही लिवर जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये अपना जड़ जो है अरब सागर में खंबाज की खाड़ी में गिरा देती है। लेकिन लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती है और वो राजस्थान से बहते हुए गुजरात में कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है, ये याद रखिएगा। तो जितना भी भारत में नदियां था आप लोग का एक भी नहीं छोड़े हैं। और भारत का सबसे प्रदूषित नदी है साबरमती नदी है, कौन नदी है, साबरमती नदी है। और आप लोग को सारा नदी आप लोग को करवा दिए हैं और आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, आप लोग को इसी प्रकार जो है सभी जो है पूरा जिक्के जीएस आप लोग को जो है उंगली पर नाचने लगेगा। मीनाक्षी मंदिर, बिल्कुल राइट है, मीनाक्षी मंदिर जो है ये मीनाक्षी मंदिर और मदुरे शहर जो है ये बेगई नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। तो आप लोग जो है कुछ लोग मतलब लगातार एकदम शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा लगा। खुला नाला किस नदी को कहते हैं, खुला नारा, खुला नाला तो पता नहीं आपको, मेरे को बता सकते हैं। लेकिन पश्चिम काल जो डेल्टा बनाते हैं वो है मिसिसिपी, मिसौरी नदी हो जाएगा। गोदावरी फिर से बताइए, गोदावरी बारे में बता दें, गोदावरी का उत्पत्ति होता है महाराष्ट्र के नासिक के
त्रिंबकेश्वर पहाड़ी से और ये महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए राजमुंदरी के पास बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी पर दो बांध है, एक पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर और एक जायकबारी परियोजना गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी का सहायक नदी बताया था आप लोग को कि वर्धा नदी गोदावरी का सहायक नदी है, वैनगंगा गोदावरी का सहायक नदी है, इंद्रावती गोदावरी का सहायक नदी है और मंजीरा गोदावरी के सहायक नदी है। तो ये सब बताए थे आप लोग को, यमुना को कहते हैं और यमुना कहते हैं खुला नाला, बिल्कुल राइट है, अच्छा बात है। मैं अकेला खेत में आपका वीडियो देख रहा हूँ, खेत में लात में खेत में देख रहे हैं, कहाँ पर बाजार में होंगे, तो काफी सल्यूट है, इसी प्रकार देखते रहे आप लोग और एक दिन निश्चित सफलता मिलेगा। और चाहे कितनों भी बार बार हम बोलते हैं कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए यूं ही जयकार नहीं होता और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता। तो बिल्कुल हार नहीं होगा और एक न एक दिन सफलता आप लोग को जरूर मिलेगा और हम लोग को भी एक दिन सफलता